तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेक्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G स्मार्टफोन वीवो Z6 के बारे में। सो गाइस, क्या आप लोग अभी मोबाइल खरीदने का मन बना रहे हैं? तो आप लोग भाई सही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए ये इंडियन मार्केट में जल्दी अवेलेबल होने वाला है गाइस, जल्दी लॉन्च होगा। सो गाइस, इस मोबाइल में काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं, तो जिसके बारे में आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन से आप छूट जाएं तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। सो गाइस, चलिए शुरू कर दें आज का वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिज़ाइन के बारे में। तो आपको इसमें रियर में मिल जाता है ग्लास बैक, यानी कि 3D ग्लासी डिज़ाइन के साथ आपको ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है। तो गाइस, आपको पहला कलर मैं बता देता हूँ। तो पहला कलर आपको मिल जाता है आइस एज के साथ। गाइस, ये मेरा बिल्कुल फेवरेट कलर है, क्योंकि तो इसकी शानदार बैक 3D ग्लासी डिज़ाइन इतनी शानदार है, क्या बताऊँ आपको मैं। तो गाइस, और आपको सेकंड कलर मिल जाता है इंटरस्टेलर सिल्वर का, ये भी आपको काफ़ी अच्छा कलर है। और गाइस, थर्ड आपको मेरा फिर से फेवरेट कलर दिखा देता हूँ, और अरोरा ब्लैक में आपको ये मिल जाता है गाइस। और गाइस, अब बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो आपको मिल जाती है इसमें 6.57 इंचेस की LCD डिस्प्ले। और गाइस, आपको इसमें सैमसंग सपोर्ट मिल जाता है, डुअल सिम नैनो। और गाइस, अब बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये स्मार्टफोन 5G आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आएगा। तो गाइस, इसमें आपको मिल जाती है ऑक्टा कोर प्रोसेसर सेटिंग और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ ये इंडियन मार्केट में एंट्री लेने वाला है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा सेटअप की। तो कैमरा सेटअप में गाइस, ये काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। तो आपको इसमें बैक में मिल जाती है क्वाड कैमरा सेटअप, इसमें मिल जाता है जिसमें आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल का लेंस के साथ। और गाइस, सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के साथ। और गाइस, आपको 2 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा मिल जाता है डेप्थ सेंसर के साथ। और फोर्थ कैमरा आपको मिल जाता है 2 मेगापिक्सल के माइक्रो कैमरा के साथ। और गाइस, इसकी बात करें तो फ्रंट कैमरे के बारे में, तो काफ़ी सेल्फी कैमरा काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, जिसमें आपको मिल जाता है पंच ऑन डिस्प्ले के साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। इसकी आपको सेल्फी काफ़ी शानदार होने वाली है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी लाइफ आपको मिलने वाली है इसमें 5000 mAh की, वो भी ये गाइस टाइप सी सपोर्टेबल है। और ये गाइस 44 वाट की चार्जिंग सपोर्टेबल है। गाइस, इसमें आपको 35 मिनट में ये फ़ोन आपको 70% चार्ज आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेटिंग के बारे में। तो आपको इसमें बैक में मिल जाता है फिजिकल फिंगरप्रिंट, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके मेमोरी वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, आपको इसमें मिल जाता है बेस मॉडल के साथ 6GB रैम और 128GB रोम के साथ। और गाइस, ये काफ़ी मेमोरी कार्ड सपोर्टेबल भी है, इससे आप अपनी मेमोरी मोबाइल की मेमोरी एक्सपेंडेबल कर सकते हैं लगभग 256GB के साथ। तो गाइस, इसकी बात कर लेते हैं इसकी बेस मॉडल की प्राइस के बारे में। तो इसकी बेस मॉडल की प्राइस लगभग आपको मिल सकती है 22 से 24 हज़ार के मिड रेंज में आपको ये मोबाइल आसानी से मिल जाएगा। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड मेमोरी वेरियंट के बारे में। तो मेमोरी सेकेंड वेरियंट इसका है 8GB रैम और 128GB रोम के साथ। और गाइस, इसकी प्राइस होने वाली लगभग 25 से 26 हज़ार के मिड रेंज में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया में इसके लॉन्चिंग डेट की बात करें, तो गाइस, ये इंडिया में लगभग मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग में लॉन्च हो सकता है। और अगर गाइस, ये लॉकडाउन इंडिया में अनाउंस ज़्यादा हो रहा है, अगर ये इंक्रीज होता है लॉकडाउन, तो ये लगभग जून या जून के लास्ट में 30 जून तक ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो गाइस, ये लॉकडाउन उम्मीद करता हूँ कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द यहाँ से भारत से चला जाए। तो गाइस, ये इंडिया में लगभग 30 जून तक लॉन्च आसानी से हो जाएगा। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए एक लाइक, और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास दिख रहा बेल आइकन प्रेस की, ताकि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइस इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।